की बड़ी खबर के साथ आरएएस भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर दूसरे दिन भी अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं और ध्यान आकर्षण सत्याग्रह करके आरएएस भर्ती परीक्षा को एक्सटेंड करवाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें अभ्यर्थियों का सत्याग्रह लगातार यहां पर जारी है। इस कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहीं पर अड़े हुए हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है छात्रों का यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा, यह चेतावनी दी गई है। आरएएस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी मुलाकात की थी और उप मुख्यमंत्री ने छात्रों को आश्वासन भी दिया था इस मामले में बात करके तिथि को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। लेकिन छात्रों का कहना यह है कि जब तक तिथि आगे बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे और अगर मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो फिर वो भूख हड़ताल भी शुरू कर देंगे। इधर मांगों को लेकर छात्र लक्ष्य प्रताप सिंह ने प्रण किया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर ये तमाम अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, सत्याग्रह जारी है। और हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उनका रुख करूंगी। दिनेश, आज दूसरा दिन है इस आंदोलन का, एक तरीके से कहा जाए या सत्याग्रह का, और आज भी कड़ाके की ठंड में तमाम अभ्यर्थी वहां पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्या वार्ता को लेकर कुछ कोशिशें हो पाई हैं? बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन है, तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो गए दर्जनों की तादाद में अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर डटे हुए हैं। मुख्य मांग यही है कि आरएएस भर्ती परीक्षा की जो मेन परीक्षा है इसको स्थगित, इसको आगे खिसकाया जाए, इसकी तिथि में बदलाव किया जाए, इसको आगे खिसकाया जाए। सिर्फ एक मांग को लेकर डटे हुए हैं और लंबे समय से तमाम जनप्रतिनिधियों से मिल चुके, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके, लेकिन अभी तक कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिला और इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने इस मांग को मनवाने के लिए, अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखने के लिए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है, तो कुछ लोगों ने जूते चप्पल नहीं पहनने का भी प्रण लिया है। ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है, कुछ अभ्यर्थी है, सीधे बात करते हैं इन्हीं से, कब तक इन्हें अपनी मांग पूरी होने की उम्मीद है। हाँ जी, आप इसी बात करूंगा, कब से बैठे हैं धरने पर, क्या आगे की रणनीति देखिए? सर, हम कल से धरने पर बैठे हैं। मेरा नाम गायत्री शर्मा है, मैं अजमेर से आई हुई हूँ। सर, मैं एक विडो लेडी हूँ और मेरे सर्वाइकल है, बीपी है, डायबिटीज की पेशेंट हूँ, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रखा है। भर्ती को लेकर कहाँ कहाँ आप मिले, क्या उम्मीद? सर, कल हम मिले, सबसे पहले सीएम साहब की जनसुनवाई में गए, वहाँ पे हमने सीएम साहब से बात करी, हमने कहा कि इतने हम लोग आए हुए हैं, पूरे राजस्थान से आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, और हमने कहा कि साहब हमें बिल्कुल पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। सीएम साहब ने कहा कि आप लोगों को 99 दिन का टाइम मिला है। हमने कहा सर हमने इतना ही बोला, जबकि हमें सरकारी कर्मचारी होने के नाते एक महीने आश्वासन दिया, सिर्फ एक महीने का टाइम मिला है सर, और उसके बाद कुछ लोगों को 3 महीने का मिला है, कुछ को 7 महीने का मिला है, और हम सरकारी कर्मचारियों ने सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम किया है, महिलाओं ने, पुरुषों ने सुबह 9 बजे से रात को 12-12 1-1 बजे तक काम किया है चुनाव ड्यूटी में सर, और हमको सैटरडे संडे नहीं मिला। उसके बाद में सर 12 बजे हम लोग जाके पढ़ रहे हैं रात में, नींद के झोंके 2 घंटे पढ़ाई करी सर हमने। कल में सर कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मिले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दे रहे हैं बस ये कि हम सकारात्मक हैं, हम छात्र हित में काम करेंगे, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है। पिछले हम एक महीने से परेशान हो रहे हैं कि हमें मतलब कि आरएस मेंस के लिए 3 महीने और दिए जाएं, लेकिन लगातार सकारात्मक आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है। अब क्या फैसला आपने लिया है, क्या रणनीति रहेगी आगे की, क्योंकि सब जगह लगभग आप जा चुके, मुलाकात कर चुके, लेकिन कोई रास्ता खुल के सामने नहीं आ रहा, क्या आगे की रणनीति? आगे तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे अगर आगे कुछ नहीं होता है तो।
क्योंकि हमको तो सबसे ज्यादा कम टाइम मिला है ना, क्योंकि एक महीने का ही टाइम मिला है ड्यूटी के दौरान। आप सरकारी कर्मचारी? हाँ, सरकारी कर्मचारी। हाँ बिल्कुल, देखिए माधुरी, कुछ लोग जो सरकारी सेवा में है, जो चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है, उन लोगों को तो पहले से और भी कम समय मिला गया। हालांकि जो कुल समय है वो टोटल 3 माह है। सबसे कम समय अगर देखा जाए 11 माह के बाद 5.5 माह का भी समय मिला है, लेकिन 5.5 माह का समय भी है वो कम समय है। ऐसे में सिर्फ एक मांग पर अड़े हुए हैं कि जो परीक्षा मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि में बदलाव किया जाए, इन्हें समय दिया जाए। रणनीति धरने पर बैठ गए, ध्यान आकर्षण सत्याग्रह राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर इनका लगातार जारी है। कल उप मुख्यमंत्री से मिले थे, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया? कल उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपकी बात सुनी गई है, 24 घंटे के अंदर हम आपके इस मुद्दे का सॉल्यूशन कर देंगे। अब 24 घंटे 2 घंटे में होने वाले हैं, अब उसके बाद देखते हैं हम उनका उत्तर का इंतजार कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उसी के लिए हम अभी तक बैठे हैं। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे कुछ और जो हम कर सकते हैं। सरकार से सवाल कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे, हम आपके बच्चे हैं, तो आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम पिछले 20 दिनों से आपके पीछे फिर रहे हैं, आपको हर बात पता है। हम कल से यहाँ पे धरने में बैठे, कल रात को इतनी ठंड थी फिर भी हम लोग यहीं सोए हैं, यहीं हैं, तो कम से कम आप हमारी बात सुनो। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, 3 महीने मांग रहे हैं आपसे, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ और सिर्फ 3 महीने मांग रहे हैं आपसे। आंदोलन की आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप चकपाल जूते भी आपने खोल दिए, भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं, क्या रणनीति आगे की रहेगी? देखिए, अनुनय विनय प्रार्थना तो बहुत हो गई, लगातार हमने चक्कर लगाए हैं, अब हम लोग यहाँ पर अंत में आकर के बैठे हैं। ये चप्पल जूते मैंने त्याग दिए हैं, जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक मैं पैरों में प्रवेश धारण नहीं करूँगा। और आगे की रणनीति यह है साहब कि ये लगातार इस कड़ाके की ठंड के अंदर रात को भी यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी सोए थे, कल यहाँ लगभग 1000 की संख्या के अंदर विद्यार्थी मौजूद थे, और ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, और हम लोग अनशन पर बैठने की जो है तैयारी करेंगे, आज शाम तक अनशन की घोषणा करेंगे। बिल्कुल ठीक है दिनेश। तो देखिए, ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो लगातार